नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की चार तरह की रेसिपी। हम आते हैं मिर्च की पहली रेसिपी बनाने के प्रोसेस पर। इसके लिए हमने लिए हैं 3 बड़े साइज के रस वाली नींबू, तीखी हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप अपनी पसंद का तेल यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर हरी मिर्च डालकर तुरंत ही ढक लें। 4 से 5 सेकंड बाद अच्छी तरह से मिला लें और धीमी आंच पर मिर्च के हल्का भूरा कलर आने तक फ्राई करें। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। 4 से 5 सेकंड बाद नींबू का रस डाल लें। मैंने नींबू से बीज पहले ही निकाल लिए हैं। अच्छी तरह से मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। इस प्रोसेस में चम्मच लगातार चलाएं। इससे नींबू का रस कढ़ाई की तली में नहीं चिपकेंगे। मिर्च नींबू के रस को एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब गैस बंद कर लें। ठंडा होने पर इसे कांच के जार में रख लें। इसे बिना फ्रिज में रखे भी 15 दिनों तक यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिर्च की दूसरी तरह की रेसिपी बनाने के प्रोसेस पर। इसके लिए बिना तीखी वाली बड़ी साइज की मिर्च लेकर चाकू की सहायता से बीज से चीरा लगा लें। इसी तरह सारी मिर्च को चीरा लगा लें। एक बाउल में खट्टे दही डालकर 1 टेबल स्पून काली तिल, आप चाहे तो सफ़ेद तिल का यूज कर सकते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें और चीरा लगी हुई मिर्च के अंदर इस तरह से भरें। इसी तरह मैंने सभी मिर्च को तैयार कर लिया है। अब इसे धूप में 3 से 4 दिनों तक सुखाएं। मिर्च सूख चुकी है। मैंने कम क्वांटिटी में ही इसे बनाया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कढ़ाई में तेल डालकर तेल के गर्म हो जाने पर मिर्च को एक एक करके फ्राई कर लें। इसे खाने से 15 से 20 मिनट पहले ही फ्राई करें। अब हम आते हैं मिर्च की तीसरी तरह की रेसिपी बनाने के प्रोसेस पर। इसके लिए बिना तीखी वाली बड़ी साइज की मिर्च का यूज करेंगे। मिर्च को बीज से चीरा लगाकर एक बर्तन में डालकर इस पर मठा या मही मिर्च के अच्छी तरह डूब जाने तक डालें। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें और ढककर 4 से 5 दिन के लिए रख लें। 4 से 5 दिन के बाद मिर्च का कलर इस तरह से चेंज हो जाने पर इसे मठा या मही से बाहर निकाल लें और धूप में 4 से 5 दिन तक सुखा लें। मिर्च सूख चुकी है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। कढ़ाई में तेल के गर्म हो जाने पर एक एक करके मिर्च को फ्राई कर लें। इसे भी खाने के 15 से 20 मिनट पहले ही फ्राई करें। अब हम आते हैं मिर्च की चौथी और आखिरी रेसिपी बनाने के प्रोसेस पर। इसके लिए एक बार फिर वही बड़ी साइज वाली मिर्च लेंगे। मिर्च के डंठल अलग करके बीज से चीरा लगा लें। एक बाउल में स्वाद अनुसार जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें। आप इस पेस्ट में खड़ी धनिया का भी यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। इस पेस्ट को चीरा लगे हुए मिर्च के अंदर इस तरह भर लें। मैंने सारी मिर्च को इस तरह से भरकर तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में एक बड़े चम्मच तेल डालकर तेल के गर्म हो जाने पर मिर्च डाल लें और धीमी आंच पर फ्राई करें। मिर्च के अच्छी तरह से फ्राई हो जाने पर इस पर मठा डाल लें। मठा इतना ही डालें जिससे मिर्च उसमें पूरी तरह से डूब जाए। धीमी आंच पर मिर्च को मठा के एब्जॉर्ब करने तक पकाएं। मिर्च मठा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है। गैस बंद कर लें। ठंडा होने पर सर्व कर लें।